नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध करना, ये 5 नंबर का आता है। तो आप भी अगर 5 नंबर उठाना चाहते हैं एग्जाम में तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए शानदार लेसन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में यानी कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, यानी कोई एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है तो मैं एक त्रिभुज खींच लेता हूं। चलिए यहां से मैंने सपोज डेट, मानो कि यहां से एक त्रिभुज मैंने बना लिया। ओके चलो यहां से मैंने एक त्रिभुज खींच लिया और त्रिभुज का नाम दे देते, मानो ये ए बी और ये सी, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचे, मान लेते हैं कि बी सी के समांतर, ये बी सी एक भुजा है, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। समांतर कैसे रेखा खींचेंगे, अगर मान लेते यहाँ से बिंदु लिए तो यहाँ से एक ऐसे करके रेखा खींच देंगे। तो रेखा जब खींचेंगे तो बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। इस रेखा को हम मान लेते हैं डी ई, क्या मान लिए डी ई। ओके तो डी समांतर बी सी मैंने रेखा खींच लिया। ओके दोस्तों, तो जब अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, या देखिए जब रेखा खींचती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इधर का दो भुजा इधर का दो भुजा, इन दोनों भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब कि ए डी बट्टे में डी बी और ए ई बट्टे में ई सी के अनुपात में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि माना त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी मैंने बनाया, क्या लिखेंगे बनाया। ओके बना लिया मैंने, ये ए बी सी त्रिभुज बना लिया और इसमें दे रखा क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो डी समांतर यानी दे रखा है, तो लिखेंगे कि दिया है डी ई समांतर, इसको पैरेलल बोलते हैं, डी पैरेलल यानी बी सी। ओके बी सी मैंने लिख लिया। ओके फिर उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये आपको सिद्ध करना है। ओके अब आपको करना क्या, इसमें रचना कुछ करना है, क्या करना है रचना। चलिए हम रचना कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे रचना। ओके फ्रेंड्स रचना में क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे लिखना होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ से बी से ई को मिला देंगे, क्या करेंगे बी से ई को मिला देंगे और सी से डी को मिला देंगे। ओके तो मैंने मिला दिया, तो यहाँ लिखेंगे रचना में कि बी को सी से तथा बी को सी से सॉरी बी को ई से, बी को ई से तथा सी को डी से, सी को डी से मिलाया, लिखेंगे क्या मिलाया। ओके मैंने मिला दिया। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, इसमें आपको क्या करना है, ऊपर त्रिभुज ए डी ई में इसमें लंब डालना है, रचना करना है कि डी से लेकर के एक लंब डालना है, इसको मान लेते डी एम। ओके डी एम लंब डाल दिए ए ई पर। ओके और उसके बाद ई से यहाँ लंब डालना है, तो चलो हम डाल देते हैं यहाँ से, इसको मान लेते हैं एन, ई एन लम डाल दिए किस पर ए ई पर। ओके या ए सी पर कह सकते हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिलाया, और लिखेंगे और ये डी एम, डी एम लम किस पे डाले ए सी पे, कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए सी एक भुजा है, तो हम लिखेंगे डी एम लम ए सी पर, एसी पर मैंने डाला, साथ ही डी ई एन, ई एन लिखेंगे ई एन। अब भाई ई एन लम किस पे डाले, ए बी पे डाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी है, ये बी है, ए बी पे डाले, तो हम लिखेंगे ए ई एन लम्ब ए बी पर डाला। ओके मैंने यहाँ तक रचना कर दिया। ओके गाइस
अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये टोटल आप लिख लिए, तो अब फ्रेंड्स आपको लिखना क्या है, यहाँ से लिखना है आपको नीचे प्रमाण, क्या लिखना है प्रमाण, या उपपत्ति भी लिख सकते हैं। अब प्रमाण से हम शुरू करेंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे कि पहले चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में, किसमें ए डी ई में, और उसके बाद चलेंगे त्रिभुज डी ई बी में, यानी दो त्रिभुज में। तो यहाँ चलेंगे कि त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डी ई बी में, डी ई बी में, ओके मैंने लिख लिया। अब त्रिभुज ए डी एवं त्रिभुज डी ई में चलेंगे, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, आप देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बट्टे में एरिया त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी, ओके। अब देखिए ऊपर त्रिभुज है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टा दो अगुने आधार गुने लंब, या शीर्ष लंब कह सकते हैं या ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो आधार। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई में आधार कौन होगा, त्रिभुज ए डी ई में भाई आधार तो ये होगा ना, ठीक है, क्योंकि इसी को तो आधार मान करके हम लंब खींचते हैं, ए डी को आधार मान के यहाँ पे क्या किए थे, लंब खींचे थे, ई एन लंब डाले थे। अब लंब जिस पर डाला था वो क्या होता है, आधार कहलाता है कि नहीं, क्योंकि जहाँ देखिए यहाँ से लंब डाले थे इसका मतलब ये वाला भुजा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये डीएम लंब डाले जिस पर, तो यानी एसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम चल रहे त्रिभुज एडी में, पहले हम इसको मान करके चलते एडी को आधार मान करके, तो एडी और गुने में, अब यहाँ पर देखिए एडी में ऊंचाई कौन होगा, यानी लंब कौन होगा, तो लंब क्या है, ईएन लंब है, तो हम यहाँ पे ये वाला लंब डाल देंगे ईएन, ओके ई एन मैंने डाल दिया, यानी अब फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ से बट्टा लगाएंगे, तो मैंने बट्टा लगा दिया। अब उसके बाद देखिए एरिया त्रिभुज डी ई बी का, अब डी ई बी देखिए डी ई बी ये वाला है, तो डी ई बी का क्षेत्रफल वही होगा, यानी एक बट्टा दो और गुने आधार। अब आधार देखिए डी ई बी में आधार कौन होगा, डी ई बी, ये हो गया डी बी आधार, यानी डी बी मैंने लिख लिया। अब गुने में देखिए लंब कौन होगा, लंब तो यही होगा, ई एन ही तो लंब होगा, ठीक है दोस्तों, यही तो हम खींचे थे, लंब हमारे ई एन है, तो हम लिख देंगे ई एन, ओके मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपस में काटेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या, ए डी और बट्टे में डी बी, यही तो बचेगा, ए डी बट्टे में डी बी, यानी ए डी बट्टे में डी बी बच गया, ये मान लेंगे समीकरण एक, क्या लिखेंगे समीकरण एक। अब ये समीकरण एक को, यहाँ तो जगह नहीं है, तो इस समीकरण एक को हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा अलग लिख देते हैं, ओके दोस्तों। तो यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये बीच में तो कट गया, तो इतना के बराबर में क्या है, ये वाला ए डी बट्टे में डी बी जो मैंने लिखा था, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ओके दोस्तों। अब मैं मिटाता हूँ इसको, मान लीजिए समीकरण एक ऊपर को, ठीक है, अब यहाँ पर लिख लिए समीकरण एक, अब हमको निकालना फिर पुनः, फिर चलेंगे आपको फिर से वही कि त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में तथा त्रिभुज अब चलेंगे डी ई सी में, किसमें चलेंगे डी ई सी में, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी, अब दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा एक बट्टा दो अगुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, तो इस त्रिभुज में देखिए ए डी ई में, अब इस पार्ट में गए तो इसका आधार कौन होगा, ए ई होगा, क्या होगा ए ई, तो मैं लिखूंगा ए ई, ओके। और गुने में अब यहाँ ऊंचाई या लंब कह सकते, तो लंब क्या है इसमें, इसमें लंब क्या है, देखिए ए ई पे लंब है हमारे पास डी एम, क्या है डी एम, तो हम डालेंगे डी एम लंब, ओके। अब यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा एक बट्टा दो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई सी का आप लिखेंगे, डी ई सी का, तो एक बट्टा दो और गुने आधार गुने ऊंचाई, तो देखिए आधार हमारे पास क्या होगा इस त्रिभुज में, ये वाला पार्ट वाला में ई सी हो जाएगा, ई सी आधार हो जाएगा, ई सी आधार, और गुने में लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एम लंब डाले थे उस पर ए सी पे, तो ये लंब हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो डी एम डालेंगे, ओके।
तो मैंने डीएम डाल दिया। ओके, अब आपको करना कि एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल और डीएम से डीएम कट गया, तो हमारे पास बचा ए ई और बटे में ई सी, ये हो गया समीकरण दो। तो मैंने लिख दिया समीकरण दो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ समीकरण एक है और यहाँ समीकरण दो है। तो समीकरण एरिया त्रिभुज डी बी बट्टे में ए डी बट्टे में डी बी, यहाँ भी देख सकते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट और इस त्रिभुज में समीकरण दो में भी ऊपर वाला पार्ट सेम है, लेकिन नीचे वाला पार्ट और यहाँ नीचे वाला पार्ट ये दोनों सेम नहीं है, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। अब कहोगे भाई बराबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज डी बी, त्रिभुज डी बी डी ई बी, चलिए इसको हम थोड़ा ब्लर करते हैं, त्रिभुज डी ई बी, ओके, त्रिभुज डी बी और उसके बाद है त्रिभुज डी ई सी, डी बी को यहाँ ब्लर किया त्रिभुज डी ई सी, अब यहाँ डी ई सी है तो ये वाला डी ई सी इधर, ये दोनों त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज देखिए, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना है, क्या है, एक ही आधार पर बना है, यानी डी ई जो आधार है उसी आधार पर ये दोनों त्रिभुज बना है, और एक ही आधार पर बने जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जब बराबर होते हैं, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर, तो मैं लिख देता हूं कि एरिया त्रिभुज डी ई बी डी ई बी और बराबर में एरिया त्रिभुज डी ई सी डी ई सी। अब देखो ये दोनों पहले से बराबर था, अब ये भी भुज, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये जो आया था समीकरण एक और समीकरण दो वाला भुजा भी आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण एक तथा समीकरण दो से, यहाँ पे लिख दिए। अब समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो मैंने देखा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर, इसका मतलब भुजा भी आपस में क्या बराबर होंगे, तो ए डी बटे में डी बी और बराबर में क्या लिखेंगे, ए ई बटे में ई सी, यही तो हमको सिद्ध करना था और ये मुझे सिद्ध हो गया दोस्तों। ओके, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव डैट, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।